Hello everyone, this is Rashima. Welcome to my English class. Dear students of class 12th, today we are going to do lesson number 4, The Rat Trap, part 3 from your English book, Flamingo. So here we go. Part 1 और 2 में हमने रैट ट्रैप सेलर के बारे में जाना, किस तरह से वो अपनी लाइफ स्पेंड करता है, कैसे वो एक प्रॉक्टर की कॉटेज में पहुंच जाता है और उसके बाद वो रैम्स जो आयरन मिल्क में ठंड से बचने के लिए पहुंच जाता है, वहां पर आयरन मास्टर उसको अपने घर ले जाने के लिए आता है जिसके लिए वो मना कर देता है। और फाइनली पार्ट 3 में हम देखेंगे कि किस तरह से आयरन मास्टर की बेटी एडला विलमैनसन उसे कन्विंस करती है, उसको अपने घर पे लेकर जाती है और किस तरह से उसको बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ ट्रीट किया जाता है जिसके कारण उसके अंदर की जो एक बुराई है, इविलनेस है, वो गुडनेस में कन्वर्ट हो जाती है जस्ट ड्यू टू लव एंड अंडरस्टैंडिंग एंड काइंडनेस शोन बाय एडला विलमैनसन। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट 3 of the lesson, The Rat Trap. First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter. अब वो अपनी बेटी से कहता है कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये ऐसे लग रहा बिल्कुल भूखा है, बिल्कुल मांस ही नहीं है इसकी हड्डियों पर, कितना कमजोर दिख रहा है, कितना भूखा लग रहा है, तो सबसे पहले तो इसे हम कुछ खाने को देते हैं। Who was busy at the table? अब जो बेटी है वो टेबल पर खाना लगाने में बिजी है। And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps. और फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि rat traps बेचने के अलावा इससे बेहतर काम वो कोई कर पाए और पूरा टाइम वो शहर में, देश में इस तरह से rat traps बेचते हुए ना घूमे। माना कि उसका बुरा वक्त चल रहा है तो हमें उसको फाइनेंशियली भी हेल्प करनी चाहिए या उसे कोई काम देना चाहिए, ऐसा आयरन मास्टर अपनी बेटी से कहते हैं। It is queer that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. अब एडला विलमैनसन क्या कहती है, उसकी बेटी क्या कहती है कि बहुत अजीब सी बात है, queer means strange, बहुत अजीब सी बात है कि जो आपके फ्रेंड हैं, ये रेजिमेंटल कॉमरेड हैं, इनके साथ जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा बुरी हुई हैं, डाउनहिल यानी कि बहुत ज़्यादा ये ऊंचाई से निचाई की तरफ आए हैं, कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए हैं, तो बहुत बुरा हुआ इनके साथ। लास्ट नाइट आई डिडंट थिंक देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। वो कहती है कि कल रात तो इनको देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये कभी जिंदगी में एक पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे, कभी ये इतनी अच्छी पोस्ट पर होंगे। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर। इस पर आयरन मास्टर क्या कहते हैं कि थोड़ा सब्र रखो। As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. जैसे ही वो नहा धोकर साफ सुथरे होकर अच्छे से कपड़े पहनकर आएगा, देखना वो बिल्कुल ही डिफरेंट दिखाई देगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरस्ड। लास्ट नाइट तो वो नेचुरली बड़े एम्बेरस्ड भी था क्योंकि किस तरह के कपड़े पहने हुए थे, वो थोड़ा शर्मिंदगी महसूस कर रहा होगा। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो एजुकेटेड पर्सन की तरह बिहेव नहीं कर रहा था तो ये जो उसके ट्रैम्प मैनर्स हैं, जल्दी ही जैसे ही वो ट्रैम्प क्लोथ्स चेंज करेगा, वो नए कपड़े पहनेगा, साफ सुथरे कपड़े पहनेगा, तो उसके ट्रैम्प मैनर्स भी उस ट्रैम्प क्लोथ्स के साथ साथ चले जाएंगे। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन्ड एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड। जैसे ही आयरन मास्टर ने ये कहा, दरवाजा खुलता है और वो जो स्ट्रेंजर है वो एंटर करता है। यस, Now he was truly clean and well dressed. हाँ, अब वो बिल्कुल साफ सुथरा था, नहा धो चुका था और बड़े अच्छे से well dressed था, बहुत अच्छे से कपड़े उसने पहने हुए थे। The valet had bathed him, cut his hair and shaved him. अब जो वैले था उसने उसको नहाने में हेल्प की, उसके बाल काटे और उसकी शेव भी की। Moreover, he was dressed in a good looking suit of clothes which belonged to the iron master. और इसके साथ साथ उसने आयरन मास्टर के बड़े अच्छा सा कपड़े भी पहने हुए थे, आयरन मास्टर के दिए हुए बहुत अच्छे से कपड़े भी पहने हुए थे। He wore a white shirt and a starched collar and white shoes. एक वाइट शर्ट पहनी हुई थी जो starched collar की थी, यानी कि अच्छे से आयरन हुई हुई थी, और वाइट शूज भी पहने हुए थे, तो वो बड़ा वेल ड्रेस्ड, नीट एंड क्लीन लग रहा था। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड। लेकिन अब जबकि जो उसका गेस्ट है वो इतना अच्छे से ग्रूम्ड हुआ था, यानी रेडी था, तैयार था, साफ सुथरा लग रहा था, जो आयरन मास्टर था वो खुश नहीं दिखाई दे रहा था।
क्यों कुछ नहीं दिखाई दे रहा था? He looked at him with puckered brow. वो उसकी तरफ ऐसे पकर्ड ब्रो की ब्रो से देखता है. कैसे देखता है? ऐसे सिकुड़न से उसको ऐसे डाउट होता है कि अरे ये क्या. एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट वेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक. और ये बात अब बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी कि जब आयरन मास्टर ने फर्नेस की रिफ्लेक्शन में उसे देखा होगा तो उसने जरूर मिस्टेक की है उसे पहचानने में कि ये उसका फ्रेंड कैप्टन नहीं है. बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, लेकिन अब जब वो दिन की रोशनी में उसके सामने खड़ा है, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस. अब उसके लिए ये गलती कर पाना बिल्कुल असंभव था. उसको बिल्कुल क्लियर हो गया था कि ये मेरा कोई पुराना एक्वेंटेंस, कोई पुराना जानकार नहीं है. What does this mean? He thundered. वो चिल्लाया, क्या मतलब है ये? क्या है ये? The stranger made no attempt to dissimulate. Stranger ने उस बात को क्लियर करने की या कोई बहाना लगाने की, प्रिटेंड करने की कोई कोशिश नहीं की कि जी नहीं जी मैं तो वही हूं या मैं ये हूं. He saw at once that the splendor had come to an end. उसने एकदम समझ लिया कि ये जो स्प्लैंडर था, ये जो वैभव था, ये जो वाह वाह मेरी हो रही थी, मेरी जी हजूरी हो रही थी, इसका एंड हो चुका है, सब खत्म हो चुका है और सब कुछ क्लियर हो गया है. इट इज नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड. वो कहता है मेरी कोई गलती नहीं है सर. आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर. वो कहता है मैंने तो कभी कुछ प्रिटेंड करने की कोशिश नहीं की. मैंने आपको नहीं कहा कि मैं आपका कोई जानकार हूं. मैं तो एक गरीब सा एक बेचने वाला हूँ, रैट ट्रैप बेचने वाला एक गरीब सा मैं व्यापारी हूँ. एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉर्ज. और इनफैक्ट मैंने तो आपसे प्लीड किया था, मैंने तो आपसे अनुरोध किया था, निवेदन किया था, भीख मांगी थी कि मुझे वहीं फॉर्ज में रहने दिया जाए. मैंने तो बहुत बार आपको नो नो और नो कही थी. बट नो हार्म हैज बिन डन. लेकिन देखिए अभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, मैंने आपका कोई नुकसान नहीं किया है. एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे. ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं वापस अपने वही फटे पुराने कपड़े पहन लूं, ये कपड़े आप मुझसे ले लीजिए और मैं यहां से चला जाता हूं. वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल. वो कहता है हाँ, थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोलता है. इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट ईदर. वो कहता है फिर तुमने इतनी ईमानदारी भी नहीं दिखाई. यू मस्ट एडमिट दैट. And I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. वो कहता है, तुम्हें मान लेना चाहिए था कि तुम वो नहीं हो. लेकिन अब मैं तो sheriff को बुलाने वाला हूँ, मैं तो पुलिस को बुलाने वाला हूँ और अब वही देखेंगे इस मैटर में उन्होंने क्या कहना है, क्या करना है. The tramp took a step forward and struck the table with his fist. अब वो tramp है, वो एक कदम आगे बढ़ाता है और टेबल पर अपनी मुट्ठी से, अपनी फिस्ट से क्या करता है, स्ट्राइक करता है, स्ट्रक करता है, ऐसे मुट्ठी से वो पंच करता है, मुक्का मारता है. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ही सेड. वो कहता है मैं बताता हूं आपको कि सारी चीजें कैसे हो रही हैं. दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप. ये दुनिया और कुछ नहीं, एक बहुत बड़ी चूहेदानी है. ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज रिंग्स एंड बिट्स ऑफ पॉक Set out to drag a poor fellow into trouble. ये सारी चीजें और कुछ नहीं, ये पनीर के टुकड़े और सुअर के मांस के टुकड़े हैं. Pork means सुअर का मांस और चीज रिंड्स मिल चीज के टुकड़ों को हम चीज रिंड्स कहते हैं. कहते हैं जैसे एक चूहेदानी में पनीर का टुकड़ा या मांस का टुकड़ा या रोटी का टुकड़ा लगा दिया जाता है एक चारे की तरह, और ताकि वो जो चूहा है वो उसके लालच में अंदर आ जाए और ये रैट ट्रैप में फंस जाए. इसी तरह से जो हम सारे लोग हैं, जो आप सारे लोग हैं, जो ये सारी चीजों को पाने के चक्कर में इस दुनिया के रैट ट्रैप में फंसते चले जा रहे हो. सेट आउट टू ड्रैग अप योर फेलो इनटू ट्रबल. और मैं भी इसी तरह से कुछ पाने की, कुछ छोटी सी चीज के लालच में मैं इस तरह के रैट ट्रैप में फंस चुका हूं. एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ अनलॉक्स मी अप फॉर दिस देन यू Mr. Iron Master must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap. वो कहता है और अब अगर शेरिफ आता है, पुलिस ऑफिसर आता है और मुझे इस काम के कारण मुझे जेल में बंद कर देता है, तो मिस्टर आयरन मास्टर आप भी याद रख लीजिए
कि कभी ऐसा दिन भी आएगा जब आप भी एक बड़े से मांस के टुकड़े के पीछे भागोगे, यानी एक बड़ी सी इच्छा को पूरी करने के लिए आप भी भागोगे और आप भी इसी तरह से किसी ना किसी ट्रैप में फंस जाओगे। That was not so badly said, my good fellow. तो आयरन मास्टर कहता है, भाई इतनी भी बुरी तरीके से नहीं, तुमने अपनी बात समझाई, काफी अच्छा समझा लिया। Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve. तो वो बड़ा इंप्रेस हो जाता है उसकी बातों से, कहता है चलो कोई बात नहीं, क्रिसमस ईव पर हम शेरिफ को, पुलिस को अकेला ही छोड़ देते हैं, उसको हम, तुम्हें हम उसके हवाले नहीं करते, वो अकेले, उसको अकेले ही रहने दो। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, लेकिन अब ये बात सुन लो, यहां से जितनी जल्दी हो सकता है भागो। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, द डॉटर सेड, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है जाने के लिए, तो उसकी बेटी कहती है, मुझे लगता है कि शायद आज रात इसे हमारे साथ ही रुकना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि ये जाए यहां से। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, और ऐसा कहते हुए वो जाती है और दरवाजा बंद कर देती है और उसे जाने नहीं देती। What in the world are you doing? said the father. Iron Master कहते हैं, क्या कर रही हो तुम? The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. उसकी जो बेटी है वो बड़ी शर्मिंदा होकर वहां खड़ी हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। That morning she had felt so happy when she thought, now home-like and Christmassy, she was going to make things for the poor hungry wretch. उस दिन सुबह वो इतनी खुश महसूस कर रही थी जब वो ये सोच रही थी कि कितना होमली सा फील हो रहा है, 2 से 3 लोग हो गए हैं हम, और आज मुझे सेलिब्रेशन सा, क्रिसमस ही सा फील हो रहा है, त्योहार लग रहा है, घर में कुछ लोग होते हैं तो हमें त्योहार सेलिब्रेट करने में मजा आता है। तो उसे लग रहा था कि कितना अच्छा लग रहा है कि मैं एक पुअर हंग्री रिच, रिच मीन्स मिजरेबल पर्सन, एक बेचारे भूखे व्यक्ति के लिए आज मैं ये खाना बना रही हूँ, क्रिसमस का फेस्टिवल है, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, और अब वो इस खुशी से, इस ख्याल से एकदम से नहीं अलग होना चाहती थी। एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वेगाबॉन्ड, और इसीलिए वो उस वेगाबॉन्ड के लिए बीच में इंटरवीन करती है, बीच बचाव करती है और अपने फादर को मनाने की कोशिश करती है। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, सेड द यंग गर्ल, वो कहती है कि मैं तो इस स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही हूँ। He walks and walks the whole year long. वो पूरा साल चलता रहता है अपनी rat traps बेचने के लिए. And there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. और शायद इस पूरी कंट्री में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर इसे वेलकम किया जाता हो, इसे बुलाया जाता हो और ये अपने घर जैसा महसूस कर सके। Wherever he turns, he is chased away. वो जहां भी जाता होगा उसे भगा दिया जाता होगा। Always he is afraid of being arrested, और हर वक्त उसे अरेस्ट होने का, उसे गिरफ्तार होने का डर बना रहता होगा। And cross-examined, और cross-examined होने का डर लगा रहता होगा, पूछताछ का डर कि क्या किया तुमने, कहां से आए हो। I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year. मैं चाहती हूँ कि वो पूरे साल में कम से कम एक दिन शांति का हमारे साथ आज गुजारे। The Iron Master mumbled something in his beard. अब Iron Master की भी दाढ़ी है और वो अपनी दाढ़ी में से ही ऐसे कुछ बड़बड़ाता है, mumbled करता है। He could not bring himself to oppose her. और वो अपनी बेटी के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं पाता। It was all a mistake, of course, she continued. और वो कहती है कि ये तो गलती से ही हुआ है, किसी ने भी जानबूझकर ऐसा नहीं किया। But anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here. वो कहती है कि शायद जिस व्यक्ति को हमने ही इंसिस्ट किया है, हमने ही मनाया है यहाँ आने के लिए, उसी को हम भगा दें। एंड टू होम वी हैव प्रॉमिस्ड क्रिसमस चीयर, और शायद जिसे हमने क्रिसमस सेलिब्रेशन का भी प्रॉमिस किया है। यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन, सेड द आयरन मास्टर। वो कहती है, आयरन मास्टर कहता है कि तुम तो एक पार्सन यानी कि एक चर्चमैन, एक पादरी से भी बहुत ज्यादा ही अच्छा वर्स, मतलब कि कुछ ज्यादा ही प्रीच करती हो, ज्यादा ही लेक्चर देती हो। आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, वो कहता है मैं तो सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि तुम्हें अपने डिसीजन पर रिग्रेट ना करना पड़े, पछताना ना पड़े।
The young girl took the stranger by the hand and led him up to the table. अब वो जो young girl है वो उस stranger को हाथ से पकड़ कर लेकर जाती है और उसे टेबल पर ले जाती है. The young girl took the stranger by the hand and led him up to the table. अब वो जो यंग लड़की है वो आयरन मास्टर को हाथ से पकड़कर और टेबल के नजदीक ले आती है. Now sit down and eat, she said. वो कहती है बैठ जाओ और खाओ. For she could see that her father had given in, क्योंकि उसने देख लिया था कि उसके पापा जो हैं वो मान गए हैं. The man with the rat trap said not a word. और वो rat trap seller एक भी वर्ड नहीं बोलता है. He only sat down and helped himself to the food. बस वो बैठ जाता है और खाना खाने लगता है. Time after time he looked at the young girl who had interceded for him. और बार बार वो उस लड़की की तरफ देखता है जिसने उसके लिए इतनी बात की, बीच बचाव किया. Why had she done it? ऐसा उसने क्यों किया? What could the crazy idea be? इसके पीछे क्या पागलपन है, क्या crazy idea है? After that Christmas Eve at Ramsjow passed just as it always had. उसके बाद रामजो आयरन मिल में और उनके घर पर क्रिसमस ईव ऐसे ही बीती जैसे कि हर साल बीता करती थी. द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नॉट द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नॉट द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट अ स्लीप. स्ट्रेंजर कोई भी मुश्किल खड़ी नहीं करता है क्योंकि वो कुछ करता ही नहीं सोने के अलावा. The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch. Forenoon means 12 बजने से पहले. तो 12 बजे तक वो ब्रेकफास्ट करके और वो 12 बजे तक सोफा सोया रहता है एक सोफे पर, गेस्ट रूम के एक सोफे पर सोया रहता है. The whole forenoon. Forenoon means 12 बजे से पहले. तो ब्रेकफास्ट करने के बाद पूरी 12 बजे तक वो गेस्ट रूम के एक सोफे पर सोया रहता है. एंड स्लेप दैट वन स्ट्रेच मतलब कंटिन्यूसली बिना रुके वो वहां सोया रहता है. एट नून दे वोक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर. दोपहर को वो फिर उसे जगाते हैं ताकि वो क्रिसमस फेयर यानी कि खाने का मजा ले सके, खाना खा सके. बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन और खाना खाकर वो दोपहर का खाना खाकर वो फिर से सो जाता है. इट सीम्ड एज दो फॉर मेनी इयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट रामजो. ऐसा लग रहा था कि शायद सालों से वो इतने आराम से और इतनी सुरक्षित तरीके से कभी भी नहीं सो पाया था जैसा कि वो यहाँ पर रामजो आयरन मिल्स और मैनर हाउस में सो पा रहा था. In the evening, when the Christmas tree was lighted, they woke him up and he stood for a while in the drawing room. अब शाम को Christmas tree पर lights लगाई जाती हैं, जलाई जाती हैं, वो फिर से उसे उठाते हैं और वो थोड़ी देर के लिए drawing room में आकर खड़ा हो जाता है. Blinking as though the candle light hurt him. और वो ऐसे ऐसे आंखें झपकाता है मानो वो जो candle light है, छोटी छोटी मोमबत्तियों की रोशनी भी है, वो उसे हर्ट कर रही है, उसे नुकसान पहुंचा रही है, उसे चोट पहुंचा रही है. बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन और उसके बाद वो फिर से वहां से गायब हो जाता है यानी सोने चले जाता है. 2 hours later he was aroused once more. और रात को फिर से 2 घंटे के बाद उसको फिर से जगाया जाता है. He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. अब क्या करना था, रात हो चुकी थी, डाइनिंग रूम में जाना था. डाइनिंग रूम इज अ प्लेस वेयर वी हैव फूड. तो डाइनिंग रूम में जाना था और वहां पर क्रिसमस फिश और पॉरेज. क्रिसमस पर फिश बनाई गई थी और पॉरेज यानी कि दलिया बनाया गया था, वो उसको खाना था. तो सुबह से लेकर उसको सुबह, दोपहर, फॉरनून और उसको बार बार उसको खाना खिलाया जा रहा था क्रिसमस ईव का. As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. अब खाना खाने के बाद सब लोग खड़े होते हैं और वो सबके पास जाता है यानी कि एडला के पास और आयरन मास्टर के पास जाता है, थैंक यू बोलता है और गुड नाइट बोलता है. बट वेन ही केम टू द यंग गर्ल शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट विच ही वोर वॉज टू बी अ क्रिसमस प्रेजेंट.
और जब वो एडला के पास जाता है तो वो उसको कहती है कि ये मेरे फादर की इंटेंशन है, इच्छा है कि आपने ये जो कपड़े पहने हैं ये मेरे फादर की तरफ से क्रिसमस प्रेजेंट है, तो ये आपको वापस करने की जरूरत नहीं है. He did not have to return it. And if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace, और वो उसके बाद ये भी कहती है कि अगर वो चाहे, वो चाहता है कि अगली क्रिसमस ईव भी वो ऐसी जगह पर सेलिब्रेट करे जहां पर वो आराम से शांति से रह सके, एंड बी श्योर दैट नो एविल वुड बिफॉल हिम, और वो ये भी चाहे और वो अगर ये भी चाहता है कि उसके साथ कुछ बुरा ना हो, ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, कि वो अगले साल भी फिर से यहाँ पर हमारे साथ क्रिसमस ईव सेलिब्रेट करने के लिए आ सकता है. द मैन विद द रैट ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस. अब वो जो रैट ट्रैप सेलर है उसके पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था, वो कुछ नहीं कह पाता. ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट. वो बहुत ही ज्यादा, बाउंडलेस इज अनलिमिटेड, बेहद अमेजमेंट यानी हैरानी से उसकी तरफ स्टेयर करता रहता है, घूरता रहता है कि ये कह क्या रही है. द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस. अब अगले दिन क्रिसमस है, 25 दिसंबर है, तो क्रिसमस की सर्विस के लिए यानी कि चर्च में प्रे करने के लिए आयरन मास्टर और उसकी डॉटर जो है गुड सीजन में उठते हैं, मीन्स समय से पहले उठ जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं. Their guest was still asleep, लेकिन जो उनका गेस्ट है rat trap seller है वो अभी भी सो रहा है. And they did not disturb him, और वो उसको disturb नहीं करते. When at about 10 o'clock, they drove back from church, अब जब 10 बजे के अराउंड वो चर्च से वापस आते हैं, the young girl sat, वो लड़की बैठ जाती है, and hung her head even more dejectedly than usual, और वो अपना सिर ऐसे, वो पहले भी उदास रहती थी अकेले होने के कारण, और अब वो पहले से भी ज्यादा निराश होकर, हताश होकर अपना सिर नीचे करके बैठ जाती है. At church she had learned that one of the old crofters of the iron works had been robbed by a man who went around selling rat traps. चर्च में जाकर उन्हें ये पता चलता है कि उनके आयरन वर्क्स में एक बूढ़ा जो क्रॉफ्टर था, जो काम करता था, उसके यहाँ पर चोरी हो गई है. और उसके यहाँ चोरी किसने की है, एक रैट ट्रैप सेलर ने की है. तो बिल्कुल पहचान जाते हैं कि ये चोरी करने वाला व्यक्ति और कोई नहीं, उनके घर पर जो स्ट्रेंजर रुका हुआ है वही है. यस दैट वॉज अ फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस, सेड हर फादर. अब आयरन मास्टर बोलते हैं, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें पछताना पड़ेगा, अब देख लो ये वही अच्छा व्यक्ति है जिसे तुमने अपने घर में रहने दिया. आई ओनली वंडर How many silver spoons are left in the cupboard this time? वो कहता है, मैं तो बस अब यही जानना चाहता हूँ. यहाँ पर wonder का मतलब क्या है, जानना चाहना, कि मैं तो अब यही जानना चाहता हूँ कि हमारे जो चांदी के चम्मच हैं वो कितने बचे होंगे हमारी अलमारी में, क्योंकि वो तो उन्हें भी चुरा कर ले गया होगा, सब कुछ चुरा कर ले गया होगा. The wagon had hardly stopped at the front steps when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. अब जो wagon है, जो हॉर्स ड्रॉन व्हीकल है, वेगन क्या होता है, किसी एनिमल या घोड़े के द्वारा चलाई जाने वाली गाड़ी, तो अभी वो हार्डली रुकी ही थी और इतने में ही आयरन मास्टर वेले से पूछते हैं कि वो स्ट्रेंजर है या चला गया. He added that he had heard at church that the man was a thief. और ये वो ये भी बताता है कि उन्हें ये पता चला है चर्च में कि वो जो व्यक्ति यहाँ रुका हुआ था वो एक चोर है. द वेले आंसर्ड दैट द फेलो हैड गॉन and that he had not taken anything with him at all. अब वेले क्या कहता है कि वो व्यक्ति जा चुका है और वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गया है. On the contrary, he had left behind a little package which Miss Wilmenson was to be kind enough to accept as a Christmas present. वो कहता है इसके विपरीत, वो तो एक छोटा सा पैकेज मिस विलमेंसन के लिए छोड़कर गया है ताकि वो उसे एक क्रिसमस प्रेजेंट की तरह एक्सेप्ट कर सके, उनके एडला के लिए एक क्रिसमस प्रेजेंट छोड़ कर गया है. द यंग गर्ल ओपन द पैकेज. उस लड़की ने वो पैकेज खोला, विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट्स केम इनटू व्यू एट वंस. वो इतनी बुरी तरीके से पैक हुआ हुआ था कि उसके अंदर के जो कंटेंट्स थे, उसमें जो भी सामान डाला हुआ था, वो एकदम से बाहर दिखाई दिया. शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, और वो खुशी के मारे चिल्लाई. शी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप एंड इन इट ले थ्री रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट्स. उसे छोटी सी चूहे दानी दिखाई देती है और उसके अंदर 3
क्रश हुए हुए रिंकल्ड से नोट्स 10 क्रोनर के 3 नोट्स मिलते हैं। बट दैट वॉज नॉट ऑल, लेकिन इतना ही नहीं, इसके यही सब नहीं, इसके अलावा भी कुछ है। इन द रैट ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स। इसके अलावा उस रैट ट्रैप में एक लेटर था, और वो लेटर जो था बड़े जैग्ड कैरेक्टर्स में, मतलब टेढ़े मेढ़े और नुकीले अक्षरों से लिखा हुआ था, यानी कि जो हैंडराइटिंग थी वो बड़ी शार्प थी। ऑनर्ड एंड नॉबल मिस, तो ये मिस को वो बड़ी ही रिस्पेक्टफुली ऑनरेबली उसको विश करता है। सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, आपने मुझे पूरा दिन मेरे साथ इतने अच्छे से बिहेव किया जैसे कि मैं सच में ही एक कैप्टन हूँ। I want to be nice to you in return. मैं भी बदले में आपके साथ अच्छा बिहेव करना चाहता हूँ। As if I was a real captain, जैसे कि मैं भी सच में एक real captain हूँ। But I don't want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि आप इस Christmas season में एक चोर द्वारा शर्मिंदगी महसूस करो। But you can give back the money to the old man on the roadside, और मैं चाहूँगा कि आप रोड साइड पर एक ओल्ड मैन है, उसका ग्रे कॉटेज है, आप उस व्यक्ति को ये जो 30 क्रोनर रुपीज है ये आप उसे वापस कर दें। हु हैज अ मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बेट फॉर पुअर वॉन्डरर्स, जिसने हम जैसे मेरे जैसे पुअर वॉन्डरर्स के लिए अपनी विंडो फ्रेम पर एक लेदर पाउच हैंग किया हुआ है और उसमें उसने वो पैसे डाले हुए हैं, और वो जो पैसे हैं वो एक चारे का काम कर रहे हैं, हम जैसे चोरों के लिए बेट का काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये 30 क्रोनर्स जो हैं आप उस बूढ़े व्यक्ति को वापस कर दीजिए। द रैट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ड्स रैट ट्रैप, और ये जो रैट ट्रैप है ये एक क्रिसमस गिफ्ट है एक रैट की तरफ से, एक चूहे की तरफ से, जो शायद इस दुनिया रूपी रैट ट्रैप में फंस जाता इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, अगर मुझे आपके द्वारा एक कैप्टन की तरह नहीं बिहेव किया जाता, अगर आप मुझे कैप्टन की तरह ट्रीट ना करती तो शायद मैं भी एक चूहे की तरह इस रैट ट्रैप में फंस जाता। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, तो शायद आपने मुझे एक कैप्टन की तरह ट्रीट किया और इसीलिए मेरे अंदर ये हिम्मत आई है कि मैं अपने आप को यहाँ से बचा सकूं, इस रैट ट्रैप में से खुद को निकाल सकूं और अपने आप को सही साबित कर सकूं। रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, और मैं ये लेटर बहुत ही हाई रिगार्ड और आउट ऑफ फ्रेंडशिप लिख रहा हूँ कैप्टन वॉन स्टेल, और वो अपना नाम लिखता है जो कि एडला विलमेंसन और आयरन मास्टर ने उन्होंने उसको दिया था, वो एक्चुअली कैप्टन नहीं था लेकिन क्योंकि उन लोगों ने उसके साथ एक कैप्टन की तरह उसे ट्रीट किया था तो वो अपने सिग्नेचर में क्या लिखता है कैप्टन वॉन स्टेल। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेसन, आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा कि अगर हम प्यार और विश्वास और अंडरस्टैंडिंग दिखाएं तो शायद हम किसी भी बुरे व्यक्ति को सही राह दिखा सकते हैं। तो प्यार में और अंडरस्टैंडिंग में इतनी ताकत होती है कि वो बुराई को भी अच्छाई में बदल सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन सम ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हाउ डिड द रैट ट्रैप सेलर एंटर द कॉटेज इन ऑर्डर टू स्टील द ओल्ड मैन्स मनी, रैट ट्रैप सेलर कॉटेज में किस तरह से एंटर करता है पैसे चुराने के लिए, ए बाय ब्रेकिंग द लॉक, B by smashing a window pane, C by breaking the door, or D by entering through the ventilator. And the right answer is B, by smashing a window pane. Next question, where did the rat trap seller reach when he followed the sound? Rat trap seller ne jab sound ko follow kiya to wo kahan pahuncha? A a school, B a shop, C a hill, or D Ramsjo Iron Works. And the right answer is Ramsjo Iron Works. Next question is, what did the owner of the factory mistake the rat trap seller for? Iron Master ne, factory ke owner ne Iron Master ko kya samjha? A. A police inspector, B. His old friend Nils Olof, C. A soldier,
डी अ टीचर एंड द राइट आंसर इज बी हिज ओल्ड फ्रेंड निल्स ओलाफ. Where did the Iron Master invite the rat trap seller? Iron Master ने rat trap seller को कहाँ invite किया? A to the dance party, B to the hospital, C to his house for the Christmas Eve, or D to a marriage party. And the right answer is to his house for Christmas Eve. Next question: What happened when the Iron Master saw The rat trap seller looked at him in broad daylight. जब आयरन मास्टर ने rat trap seller को दिन की रोशनी में देखा तो क्या हुआ? A. He praised the personality of the rat trap seller. B. He gave him good food. C. He embraced him. Or D. He recognized that he was not his friend. And the right answer is D. He recognized that he was not his friend. So that was all about the rat trap seller, the MCQs, the word meanings. I hope ye lesson aapko acche se samajh mein aaya hoga. Thanks for watching the video. See you in the next video. Till then, take care. Bye-bye.